अलग अलग करने का यह जो प्रयास है। कांवड़ वर्सेस बुलडोजर, ओवैसी का नया एंकर। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आदिति त्यागी। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। पूरे दिन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, जिस तरह कांवड़ियों को लेकर उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहला सवाल आपसे बस इतना है कि फूल बरसाना कांवड़ियों पर, क्या ये गलत है? अगर आप मेरा ट्वीट और मेरा पार्लियामेंट में जब मीडिया से बात करते बात कही, मैंने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने कहा बराबर फूल बरसाइए और बरसाइए। अगर आप फूल भी बरसा रहे हैं और फिर मुस्लिम समुदाय पर बुलडोजर बरसा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप बराबर का इक्वल ट्रीटमेंट करिए। मैं कांवरिया और कांवर यात्रा के खिलाफ कभी ना था ना कभी रहूंगा। हम ये कह रहे हैं कि भारत का कोई रिलीजन नहीं है और ये सब रिलीजन को मानता है, तो आप हर समुदाय से उसी तरह रहमदिली के मजाहरे करिए। अगर आप कांवरियों के पैर को मसाज कर रहे हैं, यकीनन वो बहुत लंबा सफर करते हैं। आप पुलिस स्टेशन मुसलमानों को लठों से मसाज कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है भाई? अगर मैं रोड पर एक 5 मिनट की नमाज पढ़ता हूं या कहीं पर नमाज होती है तो आप 295-153 लगाते हैं, बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें आप घर तोड़ देते हैं अवैध निर्माण कहकर। यही तो मेरा सवाल है, मैं कांवर यात्रा के खिलाफ कभी नहीं जाना रहूंगा। तो फिर मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये होगा असदुद्दीन ओवैसी जी कि क्या नमाजियों पर अगर फूल बरसा दिए जाएं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा? मैडम मैं फूल मत बरसाइए, हम ये कह रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट करिए, सबसे हर समुदाय से इक्वल ट्रीटमेंट करिए। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जिन मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, क्योंकि इस्लाम में नमाज एक एसेंशियल रिलीजियस फीचर है और मुझे उस वक्त पर नमाज पढ़ना पड़ता है, आपने उनको जेल भिजा दिया नॉन वेलेबल सेक्शन लगाकर। कैसे लगाएंगे भाई, उसमें क्रिमिनल इंटेंट होना चाहिए, क्रिमिनल इंटेंट नहीं है। पब्लिक पॉलिसी हर्ट नहीं हो रही, उनका दंगा करने का कोई इरादा नहीं है। नमाज पढ़ रहे 4 मिनट के लिए आप केस बुक कर देते हैं, उन पर जेल को भिजा देते हैं। क्यों ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रही है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से वहां की सरकार? असदुद्दीन ओवैसी जी, आप जिन केसेस का जिक्र कर रहे हैं उसमें आपकी अपनी आपत्ति हो सकती है, आप उसमें अपनी आपत्ति अपना विरोध जाहिर तौर पर देख भी सकते हैं, दर्ज भी करा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो आज इस बात से ऑफेंडेड और हर्ट फील कर रहा है सर, क्योंकि जो आपने ट्वीट किया उसमें कांवड़ियों का जिक्र किया, क्या इस डिबेट में कांवड़ियों को लाना जरूरी था? नहीं देखिए, मीडिया ने जब रिपोर्ट किया, मीडिया ने कहा कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, मीडिया ने कहा कि एक असलम शेख नामी पुलिस इंस्पेक्टर को मीरठ में नाम हटा दिया गया बोर्ड से क्योंकि किसी को ऑब्जेक्शन था, लोहार की दुकान को बंद कर दिया गया, गोश्त की दुकान को बंद कर दिया, मीडिया रिपोर्ट कर रही है ना। और मैंने उसी हवाला देकर कहा कि भाई आप मुसलमानों से भी रहमदिली के मजाहरे करिए, गलती क्या है इसमें? जब आप प्रयागराज में पत्नी के नाम पर घर है, आप पति को उठी से घर तोड़ देते हैं, आपके विधायक मुस्लिम बच्चों को पुलिस स्टेशन में मारता हुआ वीडियो निकालकर डालते रिटर्न के, अरे भाई आप लठों से क्यों मसाज कर रहे हैं बच्चों की? नहीं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी, जो समझना चाह रही हूं मैं और आप और हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपका व्यू पॉइंट हमारे दर्शकों को उस पर क्लैरिटी मिले। आप कांवड़ियों की तुलना में, आप मुझे दलील दे रहे हैं कि लोहारों का काम बंद कर दिया गया, कांवड़ियों की तुलना में आप मुझे ये दलील दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिम ऑफिसर था उसे हटा दिया गया, आपने कहा कि नमाजियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, कुल मिलाकर बेसिक पॉइंट फिर वही आता है, क्या जरूरी था कांवड़ियों के साथ जो हुआ, उन पर जो पुष्प वर्षा हुई उसके साथ इस कंपैरिजन को लेकर आना, जो आपकी आपत्तियां हैं, आपकी शिकायतें हैं, आपका विरोध है? मेरा डिमांड ये है कि जब आप एक समुदाय से रहमदिली के मजाहरे कर रहे हैं तो मुझसे क्यों रहम नहीं कर रहे हैं, मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते आप, मुझसे क्यों नफरत करते हैं आप? भाई आप तो पुलिस है ना, आप तो सरकार है, आपका तो कोई मजहब नहीं होना चाहिए ना, मजहब हो सकता है सरकार का, क्यों कर रहे हैं आप सबसे सबसे मोहब्बत करिए, सबसे इक्वल ट्रीटमेंट करिए, यही तो संविधान का बेसिक डिमांड है, राइट टू इक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए मुझे ऑब्जेक्शन है।
आप कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। मैं आऊंगी क्योंकि आपने सरकार के लिए कहा, आपने स्टेट के लिए कहा, स्टेट का रिलीजन नहीं होना चाहिए, जाहिर तौर पर नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है, लेकिन मैं आपसे जो जानना और समझना चाहती हूँ, आपको क्यों लगता है कि भेदभाव हो रहा है? क्यों असदुद्दीन ओवैसी कावड़ियों को इस बहस में लाकर ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस देश में भेदभाव हो रहा है? उत्तर प्रदेश में यकीनन मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक नहीं अनगिनत इंसिडेंट्स आपको मैं दिखा दूंगा जो मुसलमान और दलितों पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए आप जहां पर मुस्लिम और दलित लड़कों को छोड़कर पुलिस स्टेशन में मारा जाता है। पार्लियामेंट में जवाब आता है कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स किसी प्रदेश में हुई, तो उत्तर प्रदेश में हुई है मैडम। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा एनकाउंटर होता है कि किसका एनकाउंटर होता है भाई? अगर गुप्ता साहब का गोरखपुर में उनकी हत्या होती है पुलिस स्टेशन में तो मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। लखनऊ में एक अपर कास्ट के बच्चे का एनकाउंटर होता है, मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री दूसरों से मोहब्बत क्यों नहीं करते? उनकी सरकार रहमदिली के मजारे क्यों नहीं करती? हम वही डिमांड कर रहे हैं भाई। आप सत्ता में है ना, आपका काम सबको एक आंख से देखना है, मगर आप एक आंख से नहीं देखते, आप एक आंख बंद कर लेते हैं जब मुसलमानों की बात आती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी, आप एक क्लैरिटी तो मुझे आप दे दीजिए। आप यूपी सरकार की बात कर रहे हैं, आपको शिकायत योगी सरकार से है या आपको उनकी पार्टी से भी शिकायत है, बीजेपी से? पहले तो आप ये क्लैरिटी मुझे दे दीजिए। और दूसरी बात है, योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और उसमें एक राजा भेद नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर राजा भेद कर ही नहीं सकता। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो तो सबके मुख्यमंत्री हैं। आइडियली वो सबके मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या वो सबके मुख्यमंत्री है? कॉन्स्टिट्यूशनली तो है, मगर उनका बर्ताव सबके लिए बराबर है नहीं है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बिजनौर में एक गांव में 1961 में ग्राम सभा में जमीन दी गई थी, वहां पर मदरसा बन गया। लोगों ने एतराज किया, भाजपा के नमाजों रही, आपने बगैर किसी वजह के मदरसा तोड़ दिया आपने। और भाजपा सरकार में ना मैडम, भाजपा सरकार में है वहां पर, मेरी सरकार तो मेरी पार्टी सरकार में नहीं है, भाजपा सरकार में, तो भाजपा से पूछना पड़ेगा ना। ठीक है, आप भाजपा से पूछिए सर, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिर उस पॉइंट पर मैं लौटूंगी। और वो पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान ने योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, बल्कि आप जिस भेदभाव की बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की तरफ ध्यान नहीं देते, ध्यान के आप तो आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको टारगेट करते हैं, उस मुसलमान ने तो आपको नहीं चुना ओवैसी साहब। मैं बेशक मुझे ना चुने, मुझे उसकी परवाह नहीं है, वो उनका अख्तियार है, मगर नाइंसाफी के खिलाफ खामोश बैठ जाओ, गूंगा बन जाओ, जो जुल्म हो रहा है संविधान की धज्जियां उड़ा जाओ, खामोश बैठ जाओ। मेरी लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है मैडम। क्या मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाऊंगा जब मैं जीत जाऊंगा? नहीं, मेरी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं ना। मेरी मुझमें और दूसरे पार्टी में फर्क है, जो मुस्लिम वोट तो ले लिए, मगर अब जब इतना जुल्म हो रहा है तो खामोश बैठे। मेरी तो लड़ाई वो नहीं है, जहां नाइंसाफी हो रही है, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। और मेरे इन्हीं बोलने की वजह से तो आप मुझे बुलाते हैं ना, हरे को तो आकर नहीं बिठाते आपके सामने आप। नहीं, आपका व्यू पॉइंट, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपका व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं कि आपके व्यू पॉइंट को एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते जी न्यूज हमेशा मंच देता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ एक धर्म के मंत्री मुख्यमंत्री हैं, वो एक धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं, वो बिल्कुल कर रहे हैं। 80-20 की बात किसने की थी? मैंने की थी 80-20 की बात, उन्होंने किया था ना 80-20 की बात। आप जितने सबसे ज्यादा अगर घर किसी के तोड़े गए, आरोपी है पत्थर फेंका घर तोड़ दो कानपुर में, आरोपी है घर पत्थर फेंका सहारनपुर में घर तोड़ दिया मुसलमानों के। अरे भाई, आप घर नहीं तोड़ सकते, आपको नोटिस देना है 40 दिन की, आप कोर्ट नहीं है। और अगर कोर्ट मुझे सजा देता है कि पत्थर फेंकने की, तो मुझे सजा मिलेगी, घर को तोड़ने की सजा नहीं देगा कोर्ट। आप तो कर रहे हैं ना, आप जितना सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन, बल्कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के आप ये बता रहे हैं कि तुम आवाज मत उठाओ, तुमको दबा दिया जाएगा, तुम इक्वल सिटीजन नहीं हो, वही तो मजाहरे कर रही है भाजपा उत्तर प्रदेश में। नहीं, लेकिन आप बार बार बुलडोजर की बात कर रहे हैं, आप बार बार घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। सर, ये मामला तो देश के सर्वोच्च अदालत गया था असदुद्दीन ओवैसी जी, ये तो देश की सर्वोच्च अदालत किया, अदालत गया है, वहां पर अभी मामला पेंडिंग है, खत्म नहीं हुआ है। अला प्रयागराज का मसला भी कोर्ट में गया है, और आप देखेंगे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में आएगा कि पत्नी के नाम पर घर है
पति को नोटिस देकर तोड़ दिया जाता है तो देखेंगे आप क्या क्या होगा वहां पर। आप हर एक का घर तोड़ रहे हैं कि पत्थर फेंका इसने और घर। अच्छा मीडिया में आप दिखाते जी टीवी पर कि सरकार ने कहा कि वो आरोपी है पत्थर फेंकने का इसलिए घर तोड़ दिया गया और आप मीडिया चैनल पर दिखा जाता है कि भाई घर तोड़ दिया उसका। अरे भाई क्यों तोड़ते घर उसका, किस कानून के तहत आप घर तोड़ रहे? अवैध निर्माण। अरे अवैध निर्माण अगर करेंगे तो आधा उत्तर प्रदेश अवैध निर्माण निकलेगा, आधा उत्तर प्रदेश अवैध निर्माण निकलेगा बताएंगे आपको हम। तो वैसी साहब अवैध निर्माण पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नोटिस देना पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। 40 दिन का टाइम है उत्तर प्रदेश में कानून के लिहाज से। आप क्या करते हैं पुरानी डेट में लाकर आज नोटिस देते हैं और कल घर तोड़ देते हैं। 40 दिन हो गए, कहां पर नोटिस देते हैं आप? किसी और जगह पर नोटिस लगा देते और बता देते देखो हमने दिया। कहां दिया आपने, किधर दिया आपने, कितने लोगों घर आपने तोड़ दिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट गया है, मामला गया है, उम्मीद है हमको। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मसला चल रहा है, देखिए क्या होता है वहां पर। हाँ तो तब फिर हमें फैसले आने का इंतजार करना चाहिए आपको भी, और आप जैसे रिस्पॉन्सिबल नेता जब राजनीति में इतना अहम रोल निभाने की बात करते हैं तो आपको भी इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट क्या कहता है। इंतजार करेंगे ना, इंतजार से पहले जो फैक्ट्स है वो तो रखना पड़ेगा ना मैडम, जो फैक्ट्स है वो तो रखना पड़ेगा। अच्छा मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ चार मिनट के लिए तो तकलीफ क्या है भाई आपको, कौन सा नुकसान? उत्तर प्रदेश के पार्क में क्या रिलीजन नजर नहीं आता सरकार को? गवर्नमेंट के दफ्तर में चले जाइए लिफ्ट में रिलीजन नजर नहीं आता आपको? वहां पर खामोश बैठ जाएंगे आप? मेरे चार मिनट की नमाज पढ़ने पे एतराज क्या है आपको बताइए मुझे? सरकार को क्यों एतराज होना चाहिए? नमाज अगर पढ़ रहे हैं चार मिनट की। अच्छा और एक हैरत की बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुसलमान नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद एसेंशियल फीचर नहीं है। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो आप कहते नमाज नहीं पढ़ सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बात? नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा सर, लेकिन आप खुद बैरिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर कहीं समस्या है, पब्लिक ऑर्डर के लिए कहीं समस्या है तो उस हालात में ये राइट कटेल होगा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ना ना बिल्कुल नहीं, मेरे नमाज पढ़ने से किसका पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं, ये तो आपकी दलील है सर, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सच्ची दलील। अच्छा और एक बात, अच्छा मैं नमाज अगर पढ़ता हूँ तो क्या 295 लगाएंगे आप, 153 लगाएंगे? प्रूव ही नहीं होता वो, इन मेंसरे बताना पड़ेगा। सिर्फ जेल में डाल के सड़ा दो और पूरी कम्युनिटी को मैसेज दो कि तुम डर के रहो, तुमको तुम इक्वल दर्जे के शहरी नहीं हो। अरे नमाज अगर मैं वक्त पे नमाज नहीं पढ़ूंगा, अब जैसा मगरिब का वक्त हुआ है 7 बजे हैदराबाद में, मुझे 15-20 मिनट नमाज पढ़ना पड़ेगा वरना नमाज का टाइम चला जाता है, क्या करूं मैं फिर बताइए? नमाज ना पढ़ू गुनाहगार बन जाऊं? नमाज पढ़ता हूं 5 मिनट के लिए। हाँ चलो अगर कोई रोड पे आकर ट्रैफिक रोक कर एज अ प्रोटेस्ट पढ़ रहा है तो गलत है, मगर नमाज पढ़ रहा है भाई स्टेशन के ऊपर नमाज पढ़े, आप केस बुक कर दे रहे हैं। हाँ लेकिन अगर स्टेशन पर भी नमाज पढ़ी जा रही है और उसमें किसी की पैसेंजर्स के लिए दिक्कत है या समस्या है, ये मैं कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ, आपने खुद ये कहा कि आप ट्रैफिक रोक कर करेंगे तो आपको नमाज की इजाजत नहीं मिलेगी, आपने खुद अभी ये बात अपनी दलील में कही। मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मंदिर भी है, क्या करेंगे आप, निकालेंगे उसको? परसों से मंदिर है, कौन एतराज किया है? परसों से बेंगलुरु में है, क्या करेंगे आप? नहीं ओवैसी साहब आपको एक बात बोली कीजिए, इस देश की खूबसूरती है कि मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल कंट्री है, भाजपा उसको कबूल नहीं करने तैयार है, वही तो हमारी ऑब्जेक्शन है। भाजपा सिर्फ एक आइडियोलॉजी के तहत देखती है, एक ही रंग से देखती है उसको, वही हमारा ऑब्जेक्शन उस पर है। तो भाजपा क्या करना चाह रही है आप ये बताएं, आपको क्या लगता है भाजपा क्या करना चाह रही है? भाजपा क्या करना चाह रही है? भाजपा वो करना चाह रही है जो गांधी ने कभी सोचा नहीं था, भाजपा वो करना चाह रही है जो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने कभी सोचा ही नहीं था। उन तमाम के ख्वाबों और उम्मीदों और मेहनत पर भाजपा पानी फेरना चाह रही है, वही काम कर रही है देश में भाजपा। तो किस तरह से पानी फेरना चाह रही है, क्योंकि बार बार ये बात आप तो कुल मिलाकर इसको रिलीजन पढ़ ले आ रहे हैं। मैडम जो लड़ाई आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जो भारत का ख्वाब उन हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, किसी से मजहब के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जिसका हमने संविधान में जिक्र किया, भाजपा तो उन तमाम के खिलाफ काम कर रही है, उन तमाम उम्मीदों के खिलाफ, उन बड़े बड़े बुजुर्गों के ख्वाबों को चकनाचूर करने का काम भाजपा कर रही है। तो देश में क्या धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ नहीं रहा असदुद्दीन ओवैसी जी? मैं आपको
मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि नेल्सन मंडेला की बेटी ने कल इंडिपेंडेंट अखबार में यह आर्टिकल लिखा कि भारत को बीजेपी उस रास्ते पर लेकर जा रही है जब वाइट सुपरमेसिस उस वक्त के साउथ अफ्रीका में जो कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन वहां के ब्लैक लोगों पर, सियाफाम लोगों पर, उनकी बेटी ने आर्टिकल लिखा। उससे बढ़कर और क्या चाहिए बताइए आपको मेरे आपके सवाल का जवाब देने के लिए? नहीं नहीं असदुद्दीन ओवैसी जी, मेरे लिए होली बुक कॉन्स्टिट्यूशन है, आई एम श्योर आपके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन है और डेमोक्रेसी का मंदिर जो है वो आप पार्लियामेंट है जिसमें आप जाते हैं और जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी है। तो दूसरों के सर्टिफिकेट से मैं अपने देश को ना तो जज करती हूँ ना देखती हूँ, और मुझे पूरा पूरा भरोसा है आप भी दूसरों के सर्टिफिकेट से ना अपने देश को देखते हैं और ना उसे उसका असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, जब भाजपा के नेता बड़े बड़े अखबार का हवाला देते हैं कि मोदी जी के बारे में तारीफ लिख दी गई, तो उसी का तो काउंटर कर रहा हूं ना मैडम, मैं वही तो बता रहा हूं। वो छोड़ते हैं, किसी प्रोग्राम पर आते हैं, देखिए फुला के अखबार ने ये लिख दिया, वहां पर ये लिख दिया, तो हम भी बता रहे हैं देखो ये भी लिखा जा रहा है। नहीं नहीं, आप उन्हें काउंटर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको उसमें किसी तरह की अपनी राजनीति साधने की गुंजाइश दिख रही है? देखिए मैडम, सच्चाई तो दुनिया देख रही है ना, अमेरिका से हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, अमेरिका ही के ही स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न बना दिया जाना चाहिए। हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है अमेरिका से, बहुत करीबी ताल्लुकात है, वो कह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जी, आप मुझसे बेहतर ये बात जानते हैं कि वहां पर ब्लैक्स का क्या हाल है। वहां पर ये हैशटैग ट्रेंड करता है ब्लैक लाइव्स मैटर, और ये वो कंट्री है जो दुनिया में बीकन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दुनिया में बीकन ऑफ डेमोक्रेसी, बीकन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करती है। खैर, मैं अमेरिका पर डिबेट नहीं करी, मैं भारत पर वापस लौटती हूँ। और जो मेरा आपसे सवाल था थोड़ी देर पहले, धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, ये इंडिया में, भारत में हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, भाजपा कर रही है। प्रधानमंत्री के कितने स्टेटमेंट्स आपको दिखाऊं मैं, 2014 में जब प्रधानमंत्री ने पहला भाषण दिया था लोकसभा में, क्या कहा था प्रधानमंत्री? 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिली है। किसने कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था। कपड़े देखकर पहचानो, किसने कहा? प्रधानमंत्री ने कहा। कब्रस्तान शमशान की बात प्रधानमंत्री ने की। योगी ने कहा 80-20 की बात उन्होंने की, प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं ना। किसने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश लोगों को नारा लगा दिया गया और क्या क्या उनसे नहीं किया गया है, ये सब देख रहे हैं ना। सत्ता में भाजपा है, जब तक भाजपा इन चीजों को नहीं रोकेगी, ये आप जो बात कह रहे हो नफरत खत्म नहीं होने वाली नहीं है। मुसलमानों नेता चुन लो, ये तो आप कहते हैं मैडम। मुसलमान नेता जरूरी है, मुसलमान नेता भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, मगर अगर कोई यह कहेगा कि मुसलमान नेता चुन लो ताकि हिंदुओं को नुकसान पहुंचे, वो गलत है, वो गलत है। लोकतंत्र को मजबूत करने, क्योंकि हमारा लोकतंत्र जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब आप बताइए कि भाजपा 12 प्रदेशों में सरकार में है, एक में मंत्री उनका सिर्फ, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में कोई मुस्लिम एमपी उनके पास है। आप बताइए सो क्या बोलेंगे? बोले नहीं नहीं हम तो सबका साथ सबका विश्वास। अरे भाई, आप ही के पार्टी में भाजपा में हर समुदाय की नुमाइंदगी है, हर एक का रिप्रेजेंटेशन है। तो अब इतनी बड़ी पार्टी है आपके पास, एक मुस्लिम एमपी ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, बल्कि माइनॉरिटी मिनिस्टर भी नहीं रहा बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी को आपने एग्जिट कर दिया, थैंक यू बाय बाय कर दिया उनका। असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपकी राजनीति पर सवाल कर रही हूँ, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, वो आपका हक है सर, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज बुलंद होती है। सर मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ, जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं सर, जब आप ये कहते हैं मुसलमानों अपना नेता चुन लो, क्या उंगली आपकी तरफ नहीं उठनी चाहिए सर? मुसलमानों का नेता है ही नहीं ना, कहां नेता मुसलमानों का? मुसलमानों का नेता अखिलेश यादव बन गए हैं, मुसलमानों का नेता लालू का बेटा जो देखकर भी नहीं पढ़ सकता वो नेता बन चुका है, मुसलमानों का नेता अब तो बीजेपी भी बन चुकी है, बीजेपी भी दावे कर रही है। मुसलमानों का नेता कहां है मैडम? कौन मुसलमानों का नेता है? अगर मुसलमानों का नेता होता तो घर तोड़े जाते, अगर मुसलमानों का नेता होता तो इस तरह पुलिस स्टेशन ले जाकर मारा जाता। कहां मुसलमानों का नेता बताइए हमको आप? असदुद्दीन ओवैसी, क्या भारत के नेता नहीं हो सकते? उनको मुसलमानों का ही नेता बनना है। तो कौन कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट है? मैंने कहा था, आप बताइए मैडम, आप मुस्कुरा रही हैं, आपको जानते हैं कि कहा गया था, किसने कहा था, वो भी जानते हैं आप। नहीं सर, मैं ये सोच रही हूँ, आप बैरिस्टर हैं,
और अपने जो आपका स्किल सेट है उसका भरपूर इस्तेमाल आप अपने इस जवाब में कर रहे हैं, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं। स्किल सेट का नहीं है मैडम, कोई स्किल सेट नहीं है, ये मैं भाजपा टूल किट की बात करती हूँ, मैं अपने स्किल्स की बात कर रहा हूँ। मैं भी आपके स्किल को लेकर ही सवाल पूछ रही हूँ, बैरिस्टर ओवैसी, सुनिए मेरा सवाल फिर से ध्यान से सुनिए, बैरिस्टर ओवैसी भारत के नेता क्यों नहीं हो सकते, उन्हें मुसलमानों का ही नेता क्यों बनना है? मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करके कह चुका हूं, कई मर्तबा आपसे कहूं कि मैं मुसलमानों का नेता ना हूं ना कभी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मेरी लड़ाई वो नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है मैडम, मैं जिंदगी के उस राह पर आ चुका हूं कि दाढ़ी आधी वाइट हो चुकी है, नहीं मालूम कब बुलावा आ जाए, मगर जब ये लड़ाई किस लिए है कि भाई आप नाइंसाफी कैसे खत्म होगी, भाई भारत की पार्लियामेंट में जब हम बैठते हैं, अच्छा आपको एक किस्सा सुना देता हूं मैं, आप मेरी बात समझ जाएंगे आप, जब मैं यूपीए की सरकार थी तो सेंट्रल हॉल में मैं बैठकर देखा कि कांग्रेस के, समाजवादी के, बीएसपी के, भाजपा के 39 एमपीज एक लाइन में जा रहे हैं, मैंने कहा भाई इतने सब पार्टी के लोग कहां जा रहे हैं, तो उनमें से एक ने कहा कि भाई हमारे समुदाय के एक जनरल साहब के बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है, हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने जा रहे हैं, ये बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन कि सब मिल गए एक जगह पर। नहीं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी, ये स्टोरी जो आपने सुनाई, आपने मुझे पहले भी सुनाई है, ये जो इंसिडेंट है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ फिर आप उस पर क्या कहेंगे जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहाँ पर बात कर रही हूँ, कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का ज्यादा हक है, वो क्या? ये देश के पर उस वक्त के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, उनके प्रेस सेक्रेटरी जो आपके मीडिया की है उनको बुला लीजिए कभी एक दिन, उन्होंने क्या कहा था, उसको कैसे पेश किया गया वो देख लीजिए, वो स्टेटमेंट मैं पढ़ा हूं, अगर आप बोलते तो मैं निकाल लेता, मगर अभी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए निकाल के बता देता हूं। अच्छा ये बताइए माइनॉरिटीज का बजट कितना है मैडम? नहीं नहीं सर, पहले मैं जो आपसे सवाल पूछूं, अच्छा ये बताइए दुर्गा विसर्जन को रोक देना क्योंकि मुहर्रम है, वो क्या है, वो क्या था, आप जान रहे मैं कहां की बात कर रही हूं? बंगाल की बात कर रहे हैं आप, ममता बनर्जी को बुलाइए, टीएमसी को पूछिए क्यों रोका उन्होंने, अगर जब जुलूस निकलता है दुर्गा का प्रोसेशन निकलना चाहिए, मुहर्रम का निकलता है निकलना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए, सरकार का काम यह है कि पूरा पुलिस प्रोटेक्शन दे, पूरे एहतियात करें, और अगर जो कोई गड़बड़ करता है उसको तो एक्शन ले आप, प्रोसेशन क्यों रोके वो तो हम टीएमसी को पूछना चाहिए, मैं क्या जवाब दूंगा टीएमसी की तरफ से? नहीं नहीं आप टीएमसी की तरफ से जवाब मत दीजिए, आप एआईएमआईएम के प्रमुख के तौर पर ही जवाब दीजिए, जो उन्होंने किया, जो कहा गया क्या वो सही था? उन्होंने अगर प्रोसेशन की इजाजत नहीं दी, क्यों नहीं दी, उनको जवाब देना चाहिए, मगर जब प्रोसेशन निकलता है तो पूरी तैयारी के साथ सरकार को हर तरह का इंतजाम करके परमिशन देकर निकालना चाहिए, क्यों नहीं निकालना चाहिए, अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो केस बुक करिए उन लोगों पर, उनकी जिम्मेदारी है वो। अब जैसा कि राजस्थान में आपने जुलूस निकालने का परमिशन दिया, अब जहांगीरपुरी में बगैर परमिशन के जुलूस निकाल लिए, पुलिस खड़ी भी है और पूरा गड़बड़ हुई है, उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए फिर आप? नहीं लेकिन आप ये बताइए, तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल आप भी करते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट की बात की जाती है इंडियन पॉलिटिक्स में दशकों तक, आपने खुद ये कहा कि मुसलमानों का वोट लेने वाली पार्टियां, ये सही है? अरे मैडम मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ ही नहीं है, मैं आपको डेटा दे दूंगा, अगर अपीजमेंट हुआ तो बताइए, 100 में अगर ग्रेजुएट होते हैं तो मुसलमान 4 ग्रेजुएट क्यों होते हैं, हाईएस्ट ड्रॉपआउट रेट मुसलमानों का क्यों है आप बताइए, लिटरेसी रेट मुसलमानों का सबसे कम क्यों है, जो पीएलएफ लेबर फोर्स का डेटा आया है अर्बन एरियाज में 50% मुसलमानों का वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर अपीजमेंट हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 32 लाख ठेला बंडी स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया है, उसमें खाली 331 मुसलमानों को दिया है, कहां अपीजमेंट हुआ है बताइए? चलिए अपीजमेंट को लेके एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा, पहले ये जो पॉलिटिक्स है, तो कांग्रेस पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे वो गलत है? अरे कांग्रेस ही तो हमारी बर्बादी की सबसे जिम्मेदार पार्टी है, इन्होंने ने हमको बर्बाद कर दिया ना पूरा, सिर्फ मुशायरे दिए, कव्वाली दिए, इफ्तार की दावत दी, ना हमको स्कूल दिया, स्कूल पूछा तो थाना खोल दिया, अरे भाई हमने अस्पताल पूछा तो शराब की दुकान खोल दी,
अच्छा अभी दर्शक कंफ्यूज हो गए होंगे असदुद्दीन ओवैसी जी कि आपका बड़ा ओपोनेंट कौन है, बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी है कि कांग्रेस है? कोई फर्क नहीं है नरेंद्र मोदी में और कांग्रेस की लीडरशिप में, दोनों एक सिक्के के दो रुख है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की लीडरशिप की और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं खुद देख चुका हूं ना, मैं कांग्रेस पार्टी का आठ नौ साल साथ दिया हूं, मैं करीब से जानता हूं लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? अपीजमेंट नहीं कर रही थी तो मुस्लिम वोट के लिए जो आप आरोप आप भी लगाते हैं वो क्या कर रही थी, आप उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे? कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ, नेल्ली का मैसेकर हुआ, दिल्ली की सड़कों पर सिखों का जेनोसाइड हुआ। कांग्रेस जब पार्टी में थी तो मुंबई की सड़कों पर जो कुछ हुआ श्री कृष्णा कमीशन ने कह दिया। जब भाजपा की सरकार थी तो गुजरात हुआ, जब भाजपा की सरकार थी तो दिल्ली का राइट्स हुए। अब आप भाजपा की सरकार है तो घरों को तोड़ दिया जा रहा है, और भाजपा की सरकार है तो हमारे घर बगैर नोटिस दिए घर को तोड़ दिया जा रहा है, और वीडियो बनाकर भाजपा के विधायक बोलते हैं मुसलमानों को रिटर्न गिफ्ट हम दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में मारकर। नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले आप अपीजमेंट की बात कर रहे थे, मैंने कहा था मैं आपके पास आऊंगी, एक और मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है। पूछिए। अपीजमेंट शब्द का मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि एम्पावर नहीं किया गया। जो आपने मुझसे पूछा कि बताइए अगर अपीजमेंट किया होता तो इतना ड्रॉपआउट रेट नहीं होता, इतना ये नहीं होता, मुस्लिम समाज जो है वो कहीं आगे खड़ा दिखाई दिया होता। एक्चुअली अपीजमेंट हुआ, एम्पावरमेंट नहीं हुआ। अपीजमेंट, देखिए अपीजमेंट अगर होता तो नाइंसाफी नहीं होती ना। अब भाजपा की बात ले लीजिए आप, मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का मेंबर था, मैंने स्टैंडिंग कमेटी के हमने रिपोर्ट देकर मोदी सरकार से कहा कि जो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं उसको डिमांड ड्रिवन करिए। आपको मालूम मैडम, एक मुसलमान स्कॉलरशिप अप्लाई करता है तो 19 लोगों को नहीं मिलती स्कॉलरशिप, 19 लोगों को नहीं मिलती है। हमने उस रिपोर्ट में कहा था, आप देख लीजिए नेट पर अवेलेबल, हमने कहा था कि आप सिर्फ 1500 करोड़ रुपए इजाफा कर दीजिए पूरे माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप मिलेगा। आपने वो भी नहीं किया भाजपा सरकार ने, बल्कि इस साल तो स्कॉलरशिप के पैसे आपने कम कर दिए, आपने एएमयू के पैसे कम कर दिए, जामिया मिलिया के पैसे कम कर दिए, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बराबर आप पैसे बढ़ाते गए और बढ़ा रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है बताइए आप? एएमयू के क्यों पैसे कम कर दिए आपने, जामिया मिलिया के पैसे आपने क्यों कम कर दिए इस बजट में? आपने 100 करोड़ एएमयू के कम कर दिए, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये पढ़ने बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो आप कह रहे टारगेट किया जा रहा है इन यूनिवर्सिटीज को, क्यों टारगेट कर रही है ना भाई? मैडम देखिए, जो गवर्नमेंट का एलोकेशन है, मैं बता रहा हूं एएमयू, जामिया मिलिया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ईटानगर में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को कितने पैसे आप 2014 में मिलते थे, आप कितने मिल रहे हैं, और इस साल के बजट में आपने जामिया और एएमयू के पैसे क्यों कम कर दिए बताइए? तो वैसे साहब ये जो बातें आप उठा रहे हैं इससे देश का मुसलमान कनेक्ट क्यों नहीं करता? उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने क्यों कनेक्ट नहीं किया? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा नाइंसाफी हो रही है, आपकी जो आवाज है नाइंसाफी के खिलाफ, इसमें मुसलमान आवाज क्यों नहीं मिला रहा? मैडम देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं राजनीति जो कर रहा हूं उसमें प्राइमरी मकसद से सत्ता हासिल करना नहीं है, यकीनन मेरे ऑब्जेक्टिव में है, मगर मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर वो हो जाएगा तो फिर मुझमें और दूसरों में फर्क क्या रहेगा? इन मुद्दों को जो मैं आज उठा रहा हूं, ठीक है आज मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है, इंशाल्लाह आगे मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है, मेरे मुकद्दर में नहीं है, तो क्या मैं सच्चाई को बयान करना छोड़ दूं, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना छोड़ दूं? तो फिर मुझमें और उन मुफाद परस्तों में क्या फर्क रहेगा बताइए? अच्छा एक बात बताइए, आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? क्यों? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अरे मैं तो मंत्री नहीं बनना चाह रहा हूं, मेरा ख्वाब ही नहीं है ना मेरी कोशिश है। मुझे अल्लाह ने जो इज्जत दी है ना मैडम, शाहों को भी अल्लाह ने इज्जत नहीं दी होगी ना प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत दी होगी जो मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, मैं उसमें खुश हूं, बहुत खुश हूं उसमें। नहीं तो फिर आप, अब ये तो बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई असदुद्दीन ओवैसी जी, आप थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी दीजिए। आप कहते हैं मुझे सत्ता नहीं चाहिए, बीजेपी से आपको शिकायत, कांग्रेस से आपको शिकायत, दूसरे दलों से आपको शिकायत, तो ये फिर तस्वीर बदलेगी कैसे? आप सत्ता चाहते नहीं, आप कहते हैं मुझे मंत्री भी नहीं बनना, तो ये तस्वीर बदलेगी कैसे फिर? आप ये बताएं विजन क्या है आपकी, सियासी सपना क्या है? देखिए हर बार यही लड़ाई होती है कि सत्ता में आना है, और जब सत्ता में आ जाते हैं धोखा दिया जाता है। भाजपा ने कहा था 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, कितने नौजवानों को नौकरी मिली मैडम? आज 8% बेरोजगार नौजवान है,
पूरे विश्व में अगर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार नहीं, मैं आपके सियासी सपने की बात कर रही हूँ, आप फिर जा रहे हैं भाजपा ने क्या किया, मैं आपके सियासी सपने की बात कर रही हूँ। देखिए मेरे सियासी सपने मेरे सपने नहीं है, मैं हकीकत की दुनिया में रहता हूँ और मैं झूठी बातें करके सत्ता हासिल करना नहीं चाहता हूं जो भाजपा ने किया है। 8% अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट देश का हो चुका है, डॉलर माशाल्लाह 80 रुपए हो चुका है, हमारे फॉरेन रिजर्व 550 बिलियन के करीब आज आने वाले हैं, पेट्रोल डीजल आसमान को छू रहा है, गैस के सिलेंडर कोई रिफिल नहीं करा रहा है, बल्कि हद तो यह होगी मैडम कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनका दूध बेचने का परमिशन भाजपा ने दे दिया, ये तक कर दिया आपने। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या है, ये फेलियर है, ये लॉलेसनेस है, ये फ्यूचर को लेकर नाउमीदी है, ये क्या है? ये भाजपा की नाकामी का जिक्र कर रहा हूं जो देश को ख्वाब दिखाए थे, देश के युवाओं को ख्वाब दिखाए थे कि चीन की आंख में आंख डालकर देखेंगे, 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन बैठा हुआ है, कभी भी भारत और चीन की जंग हो सकती है, हमारे बॉर्डर के करीब आकर चीन अपने एयरक्राफ्ट को लेकर आता है, अब हम चीन से लड़ाई को मुकाबला करने के लिए हमने पाकिस्तान से सीज फायर एग्रीमेंट करना पड़ा क्योंकि हम दो फ्रंट की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी तो आप एक तरफा बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को सीज फायर की जरूरत थी क्योंकि उसमें जो इंटरनल डोमेस्टिक इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसे देखते हुए पाकिस्तान को उसकी जरूरत थी, मैं समझ सकती हूँ आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुझे लेकिन मैं आपको करेक्ट करूंगा इस पर। हाँ करिए, आप मुझे करेक्ट कीजिए सर। सुनिए एक बात सुनिए, बिल्कुल कीजिए। हमने हमने पाकिस्तान से सीज फायर एग्रीमेंट हमने किया क्योंकि हम नहीं करना चाहिए था, फिर नहीं करना चाहिए था हमको। नहीं सर, फिर आप ये कहते हैं कि जो फिर आप ये कहते हैं कि वो सर सुनिए तो सर आपके साथ ही रहते हैं ना जम्मू कश्मीर में जो वहां पर सियासत करते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे वो लोग रहते हैं उन पर शेलिंग हो रही है सरकार से, वो पाकिस्तान कह रहा है आइए सीज फायर एग्रीमेंट कर लेते हैं, बात को सुलझा लेते हैं, समस्या को सुलझा लेते हैं। बात सुनिए जी, सुनाइए। पाकिस्तान ये कह रहा है तो हम क्यों कबूल किए उसको, नहीं कबूल करना चाहिए था हमको, भारत इतना कमजोर है कि पाकिस्तान बोले सीज फायर कर लेंगे हम, नहीं करना चाहिए था हमको। नहीं नहीं, एक देश कमजोर थोड़ी होता है सर, अगर कहीं पर शांति आ रही है और आप अपने नागरिकों के बारे में सोच रहे हैं, खैर वो मिलिट्री का डिसीजन है, उसको मिलिट्री पर छोड़ देते हैं सर, और इसे सरकार पर छोड़ देते हैं, मैं उस डिसीजन में इस वक्त डिबेट नहीं करूंगी सर उस पर, मुझे मुझे आपने कहा कि भारत मुझे इस पर करेक्ट करना चाहिए, मिलिट्री डिसीजन नहीं लेती, सरकार डिसीजन लेती है, भारत के संविधान के लिहाज से भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ ऑफ आर्मी से बड़ा होता है। नहीं नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं जाकर आपसे डिबेट नहीं करूंगी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट का लगातार ये स्टैंड रहा है कि आर्मी पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, खुली छूट है, वो जो डिसीजंस लेना चाहें ग्राउंड पर उन डिसीजंस की उनको इजाजत है। ठीक है सर, वो आपकी राय है सर, और वो सरकार का पक्ष है, वो सरकार का पक्ष है। मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी वो रेडिकलाइजेशन को लेकर सवाल है, और सवाल मेरा आपसे ये है जो सर तन से जुदा, ये कब थमेगा? ये नाथूराम गोडसे की औलाद है जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं, जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं नाथूराम गोडसे के जानशीन है मेरा मानना। नहीं नहीं, ये गौहर चिश्ती, सलमान चिश्ती, नहीं ये आदिल चिश्ती, जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो यकीनन नाथूराम गोडसे की औलाद है, मैं इतना ही कहूंगा इन लोगों के बारे में। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आया सर, और दर्शकों को भी समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा और समझ गए? नहीं 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 सर, नहीं नहीं समझे सर, नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। नहीं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ये रेडिकलाइजेशन नहीं है? ये रेडिकलाइजेशन तो हर जगह पर है, नाथूराम गोडसे रेडिकलाइज हो चुका था, दिल्ली के सड़कों पर सिखों को मारने वाले रेडिकलाइज थे, नली का मैसेकर करने वाले रेडिकलाइज थे, जिस तरह कन्हैया को मारा वो रेडिकलाइज थे, जिस तरह पीलू खान को मारा गया वो रेडिकलाइज थे, रकबर को मारने वाले रेडिकलाइज थे, ये सब रेडिकलाइज लोग हैं। जो कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की हत्या की बात करता है वो रेडिकलाइज एलिमेंट है। लेकिन इस पर ब्रेक कैसे लगेगा, इस पर सोल्यूशन कैसे मिलेगी? आए दिन आता है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में जिन्होंने पोस्ट नहीं भी लिखा उनको भी अभी इस तरह की सर तन से जुदा की धमकियां मिल रही हैं। मैडम जो कोई भी जिस किसी को धमकी दे रहा है उनको सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस समुदाय का किस रिलीजन का है। मैं ऐसे कई मुस्लिम महिला जर्नलिस्ट को जानता हूं जिनको रोज रेप के थ्रेट्स आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का,
उनके खिलाफ क्या हो रहा है बताइए। मुस्लिम जर्नलिस्ट का ऑक्शन किया गया था, वो रेडिकलाइज नहीं है बताइए मैडम आप। ये सब लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। तो रेडिकलाइजेशन किसी एक समुदाय का में नहीं हो रहा, रेडिकलाइजेशन हर समुदाय में हो रहा है। ये हमारे को एक कॉज ऑफ कंसर्न बनना चाहिए देश के लिए। नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने मुसलमानों की लीडरशिप की बात की, असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों की लीडरशिप की बात करते हैं, वो इस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ इंपॉर्टेंट आवाज है। अब देखिए, मैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात का डिमांड किया था मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में, जो डी रेडिकलाइजेशन का प्रोग्राम है, आप हर समुदाय पर नजर रखिए, उन सब के ऊपर डी रेडिकलाइजेशन के काम करिए। मगर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में तो ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल बेकार किस्म के लोग बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा रेडिकलाइजेशन क्या है, रेडिकलाइजेशन के आर के माने नहीं आते उन लोगों को, ऐसे लोगों को बिठाया गया वहां पर। चलिए, आप लगातार सबकी नाकामी की बात कर रहे हैं, आप कौन सा कंस्ट्रक्टिव रोल निभा सकते हैं, आप इस समस्या से निजात पाने के लिए, इस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या विजन है, मैं उस पर बात करूं। मैडम, जितनी गुफ्तगू हमने की वही तो रेडिकलाइजेशन को रोकेगा, जितनी जितने सवाल आपने अभी हमारे से किए हैं वही तो रेडिकलाइज लोगों को हजम नहीं होता। जितने सवाल आपने किए, जितने जवाब हमने दिए, तो रेडिकलाइज लोगों को पसंद ही नहीं आते। नहीं, लेकिन ये जो रेडिकलाइजेशन है ये बहुत सीरियस है, चुनौतीपूर्ण है, और मैं इसमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं उन अहम आवाजों की जरूर बात कर रही हैं, उन अहम आवाजों की जरूर बात कर रही हूँ जिसे रोकने में अहम रोल निभा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक भारत की सुरक्षा की बात आएगी, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखना, अमन को बरकरार रखना, इसमें दो राय नहीं है। आप हमको साथ रख लीजिए, हमको बोलने की जरूरत, हम साथ हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर मसला होगा तो किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, किसी को रेप करने की धमकी दी जा रही है, तो उसको कंडेमनेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे और साथ ठहरेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। असदुद्दीन ओवैसी सर्टिफिकेट बांटने वाला जर्नलिज्म मैं करती नहीं हूँ, ये मेरा जर्नलिज्म नहीं, लेकिन मैं आपसे आज उस लाइन को समझना चाहती हूँ, जब एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की देशभक्ति पर किसी को डाउट नहीं है, मुझे भी डाउट नहीं है, लेकिन जब आप ये कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की बात आप करते हैं, आप ये कहते हैं जाति हो रही है, अत्याचार किया जा रहा है, क्या इससे रेडिकलाइजेशन नहीं बढ़ता है? वो लाइन कहाँ है असदुद्दीन ओवैसी जी, जो इस देशभक्ति और ये जो रेडिकलाइजेशन को एक तरीके का एनकरेजमेंट देने वाली या इस रेडिकलाइजेशन को प्रवोक करने वाली राजनीति है, इन दोनों के बीच लाइन कहां है? देखिए, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ठेला बंडी स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देते हैं 32 लाख, और आप सबका साथ का नारा लगाते हैं, और आप सिर्फ 331 को देते हैं मुसलमानों को, तो क्या बताइए आप, ये आरटी एप्लीकेशन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को आपने घर दिया, मैंने आरटी एप्लीकेशन डाला, आप बता दीजिए ये कौन कर रहा है मैडम, फिर कौन एलिनेट कर रहा है, कौन स्कॉलरशिप नहीं देना चाहता है? हम तो कह रहे हैं कि आप स्कॉलरशिप को माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की नहीं, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन कर दीजिए, आप नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ नंबर पर अटके हुए। अच्छा, इन्फ्लेशन में, अच्छा स्कॉलरशिप पे जीएसटी भी लगा दिए, माशाल्लाह मुबारक हो बाप, अब वो क्या करेंगे बताइए आप, अब बताइए, ये तो सब चीजें बढ़ रही है ना, इसे कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, सरकार को चीजों पर देखना है। नहीं, मैं, आपने भी 331 केसेस का जिक्र किया सर, वो अल्पसंख्यकों को स्ट्रीट वेंडर्स जिसे लेकर आपने ट्वीट भी किया था, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था? कितने मुसलमानों ने अप्लाई किया था? जी, बहुत मुसलमानों ने अप्लाई किया था, उसमें आपके पास एप्लीकेशन आए हैं ना, तो आप देते नहीं है ना, आप उनको आप देते नहीं है, आप देने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा मैं, अच्छा आपके और एक सवाल का, आपके सवाल का जवाब देता हूं, क्या भारत सरकार का डेटा नहीं, सुनिए मैडम, क्या भारत सरकार का डेटा ये नहीं कहता है कि अर्बन एरियाज में मुसलमान 50% वर्क पार्ट काम करना चाहते हैं, डेटा है, हिंदू भाइयों का 33% है, जो 50% अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो नौकरी की तलाश में है 50%, आप उनको क्या देते हैं बताइए आप?
ये गवर्नमेंट का डेटा है ना, मेरा डेटा नहीं है। नहीं, अच्छा मैं और एक वापस आपको उसी 331 वाला जो आपका डेटा है असदुद्दीन ओवैसी जी, उसी पर लौट रही हूँ। 331 माइनॉरिटीज की बात है उसमें, लेकिन वो लोन सैंक्शन तभी होगा ना असदुद्दीन ओवैसी जी जब एप्लीकेशन जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, एप्लीकेशंस पूरे गए हैं, आप नहीं देना चाह रहे तो क्या करें। मैं आपको स्कॉलरशिप की मिसाल दे रहा हूं ना, वो रिपोर्ट जो आपने ट्वीट की वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है मैडम, स्कॉलरशिप की मिसाल दे रहा हूँ। आप स्कॉलरशिप पे बात कर रहे हैं, मैं आप ही के डेटा को उठा रही हूँ। जो भी आपने 331 माइनॉरिटीज मुस्लिम्स का जिक्र किया, वो माइनॉरिटीज हैं। अर्बन एरियाज में मुसलमान 50% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, तो आप उनको 331 देते हैं पूरे भारत में। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर जो आप बात करें असदुद्दीन ओवैसी जी, मैं जानती हूँ आप बैरिस्टर हैं, मैं चाहूंगी वो रिपोर्ट एक बार आप फिर से रेफर करें, उसमें देखें कुछ 600 प्लस एप्लीकेशंस की बात की गई है सर। गवर्नमेंट देखिए मैडम, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में प्रोग्राम कर लीजिए, मैं आ जाता हूँ कल। बिल्कुल मैं करूंगी प्रोग्राम और आपको उस पर बुलाऊंगी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ जब आप आते हैं और डेटा पर बात करते हैं तो उसकी पूरी तस्वीर आप पेश करें, क्योंकि जिस सवाल से मैंने स्टार्ट किया था सर, तन से जुदा वाली जो सोच है सर, जब ये विक्टिम नैरेटिव पेश किया जाता है कि मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, जुल्म ढाए जा रहे हैं, इस देश में हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो जो सर तन से जुदा वाली सोच है उसे उसे टॉनिक मिलता है असदुद्दीन ओवैसी जी। सर सर तन से जुदा जो लोग नारे लगा रहे हैं ना, वो नाथूराम गोडसे के जानशीन है। जो जो राइट्स की बात कर रहा है वो संविधान को मानने वाला है, जो सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं उनको दीन नहीं मालूम, उनको इस्लाम नहीं मालूम। और अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो हर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कंडेम किया उन लोगों को मैडम, कितने बड़े बड़े उलमाओं ने जिनकी स्टैंडिंग है मुस्लिम समाज में, जिनको लोग इज्जत की निगाहों से देखते हैं, उन्होंने कंडेम किया है इस तरह की बातों को। असदुद्दीन ओवैसी जी क्या निंदा भर से काम चला लेंगे जब हम अपने और हमारे प्यारे देश के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। आप तो जानते हैं इस देश में फिलिस्तीन में क्या होता है, उसे लेकर लोग सड़क पर आ जाते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं। क्या इस सोच के खिलाफ नहीं आ सकते आप जैसे नेता? और आप आइए, आई एम श्योर आपके साथ और लोग भी आएंगे, उस एक बड़ा मैसेज जाएगा। नहीं हो सकता ये? दिल्ली पे रोड पे आए थे ना CAA के प्रोटेस्ट में, खालिद सैफी की बीवी रो रही है कि बीमार पड़ा हुआ है, शुगर बढ़ गई है, क्या कर दिया वहां पर, देखा आपने खालिद सैफी को? बेचारा उसकी वाइफ रोते हुए वीडियो डालती है कि मेरे मेरे हस्बैंड पर रहम करो, उसकी शुगर बढ़ चुकी है, उसका वीडियो फिर क्या होगा? मैंने आपसे क्या सवाल किया? मैं ये कह रही हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जो सर तन से जुदा वाली सोच है, जो कि इस देश के लिए घातक है, मुझे पूरा यकीन है इस पर आप और हम सेम पेज पर होंगे, एक मोर्चा नहीं निकाल सकते जहां से यह मैसेज जाए कि इस सोच के लोगों को आपका समर्थन नहीं है भाई, और इन इस सोच के लोगों के सोशल बॉयकॉट की बात होनी चाहिए, चाहे वो। और मैं ये आपसे सिर्फ एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूं, ये मैं ओवरऑल मैसेज की बात कर रही हूं। एक मिनट, मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, मैं लाइन पर ठहरता हूं, प्रसाद भोसेकर को फोन मिलाइए आप। प्रसाद भोसेकर जो आपके जी टीवी के करेस्पॉन्डेंट हैदराबाद में है, वो हमारी जनसभा में थे जो हमने नुपुर शर्मा के उस अनाप शनाप के खिलाफ प्रोटेस्ट मीटिंग की थी। उस प्रोटेस्ट मीटिंग में मैंने क्या कहा था, प्रसाद से मिलाकर पूछिए आप। नहीं नहीं, आज आपके पास मौका है, आप डायरेक्ट करोड़ों लोगों से बात कर सकते हैं। आप ही के करेस्पॉन्डेंट का नाम दे रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, प्रसाद को मिलाकर भी आप मिलाइए, पूछ लीजिए, या फिर बाद में बुलाइए प्रसाद से पूछ लीजिए कि ओवैसी ने बात कही थी नहीं कही थी। असदुद्दीन ओवैसी जी, एक एक जलसा ना काफी है ना, आपसे तो उम्मीदें ज्यादा है ना, ये तो आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें दिखाता है ना, और ऐसे जलसों की उम्मीद की जाती है आपसे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुंबई में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कौन बोल रहा है पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन? भाई कांग्रेस के भी है ना, समाजवादी के भी है, लालू की पार्टी के भी है, ये सब के सब तो सिर्फ मुंह में पान है और मुंह से निकलता कुछ नहीं है उन लोगों के, उनसे कोई पूछिए। मुस्लिम वोट की जब बात आएगी तो पूरे के पूरे चौधरी बन जाएंगे। इस मुद्दे पर हम ही तो बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है दूसरा? अच्छा ये बताएं, जो आपके विरोधी हैं, जो सब मुसलमान, अभी आखिरी सवाल खत्म करी जाना है। ठीक है ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ये जाते जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर जिक्र किया, क्या जिन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम अब आप भी गिना रहे हैं, इनमें से किसी पार्टी पर आप भरोसा करते हैं? भरोसा
ख्वाब में भी ना करो इन लोगों पर, ख्वाब में भी ना करो भरोसा इन लोगों पर। तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने, ये है। थैंक यू सो मच, बहुत खूब। और आप मुझे बस ये कहना है, आप मेरी बात एक सुनते जाएं। असदुद्दीन ओवैसी, जहाँ उम्मीदें होती हैं वहीं पर शिकायतें भी होती हैं और वहीं पर सवाल भी होते हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि आप मुसलमानों का नहीं भारतीयों का नेता बनने की कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के सभी सवालों का यहाँ पर जवाब देने के लिए। उद्देशक में